नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कल टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तनकारी तेज आर्थिक विकास की नींव तैयार की है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव पारित किया। सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के विधि मंत्री मलय घटक के आसनसोल स्थित आवासीय परिसरों पर छापे मारे। राज्य के 7 स्थानों पर छापेमारी जारी। केंद्रीय दल बेंगलुरु में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेगा। वर्षा के कारण 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। भारतीय मूल की वकील सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन का नया गृह मंत्री बनाया गया। भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित। गोलकीपर वर्ग में PR श्रीजेश और सविता पूनिया को चुना गया। और एशिया कप में आज शाम शारजाह में सुपर फोर में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। व्लादिवोस्तोक में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरिटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में उन्हें इस मंच में रूस के साथ भाग लेने का मौका मिला और उस समय उन्होंने भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति की घोषणा की थी। श्री मोदी ने कहा कि इस नीति की घोषणा के परिणाम स्वरूप रूस के सुदूर पूर्व के साथ भारत का सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के एक हिस्से में होने वाली घटनाएं पूरी दुनिया पर प्रभाव डालती हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। भारत के प्राचीन सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के वाणिज्य दूतावास की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के कॉन्सुलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कॉन्सुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे संबंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंड्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रशियन फार ईस्ट के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है। पूर्वी आर्थिक मंच की 7वीं बैठक सोमवार को शुरू हुई।
60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का मुख्य विषय है बहुध्रुवीय विश्व पथ की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया यात्रा संपन्न करने के बाद आज जापान के लिए रवाना होंगे। श्री सिंह विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ कल टोक्यो में भारत जापान रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता में भाग लेंगे। जापान का प्रतिनिधित्व वहां के रक्षा मंत्री यासुकाजू हमादा और विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी करेंगे। इस संवाद में दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग की समीक्षा होगी और आगे की कार्यनीति तय की जाएगी। भारत और जापान के बीच विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी है। वार्ता के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए जापान के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री सिंह जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी भेंट करेंगे। श्री सिंह टोक्यो में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और जापान में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अब अवसर के नाम से विख्यात हो गया है। ये दशक ही नहीं बल्कि पूरी सदी भारत की है। श्री गोयल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में आर्थिक विकास तेज हुआ है। देश में व्यवस्था में सुधार और प्रौद्योगिकी से जुड़ने तथा सर्वश्रेष्ठ सीखने की नींव तैयार की गई है। भारत के युवाओं में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री गोयल ने कहा कि नई शिक्षा नीति उदार शिक्षण को बढ़ावा दे रही है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। श्री गोयल ने भारत के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और योजनाओं का उल्लेख किया। श्री गोयल ने स्टैनफोर्ड के विद्यार्थियों को भारत के साथ जुड़े रहने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए काम करने को कहा। श्री गोयल भारत अमरीकी रणनीतिक साझेदारी मंच सम्मेलन और हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका के दौरे पर हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो यूक्रेन में परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देता है। यूक्रेन की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि परमाणु संयंत्र से जुड़ी किसी भी दुर्घटना से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष की शुरुआत से ही भारत लगातार रूस और यूक्रेन के बीच शत्रुता तथा हिंसा समाप्त करने का आह्वान करता है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की वकील सुवेला ब्रेवरमैन को प्रधानमंत्री लिज ट्रस के नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल में गृहमंत्री बनाया गया है। उन्होंने भारतीय मूल की अपनी सहयोगी प्रीति पटेल की जगह ली है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य 42 वर्षीय सुवेला ब्रेवरमैन ने बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया था। हिंदू तमिल मां उमा और पिता क्रिस्टी फर्नांडिस की बेटी सुवेला ब्रेवरमैन बौद्ध मतावलंबी हैं। उन्होंने संसद में पद की शपथ बौद्ध ग्रंथ धम्मपद को साक्षी मानकर की। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दावेदारी में से वो एक थी। लिज ट्रस सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के पेशकश अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर आप हमें अपने ऑडियो सवाल भेजें।
जिसका जवाब शनिवार रात 9:30 बजे एक्सपर्ट देंगे। इस बार का विषय है संस्कृत, तो संस्कृत विषय पर आपके प्रश्नों का हम करेंगे इंतजार 7 सितंबर तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में स्थित रंग भवन में आकाशवाणी और दूरदर्शन इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉ मुरुगन ने कहा कि प्रसार भारती के कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग हैं और लोकतंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की आवाज देश के प्रत्येक नागरिक के दिल को छूती है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती न केवल समाचारों में योगदान देता है बल्कि भारतीय कला और संस्कृति को पोषित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रसार भारती के कर्मचारियों से प्रौद्योगिकी में आगामी परिवर्तनों को अपनाने और गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रस्तुत करने पर बल दिया। डॉ मुरुगन ने मन की बात के लिए आकाशवाणी का चयन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की पदेन सदस्य मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहे। अब तक की जो सामाजिक समीक्षा रही उसमें हम अधिकारों की बात करते रहे लेकिन भूल गए कि कर्तव्य अधिकारों का ही दूसरा हिस्सा है। अगर हम कर्तव्य से प्रेरणा लेकर अपना अपना कर्तव्य का पालन करें तो कहीं ना कहीं उसमें दूसरे के अधिकारों का पालन खुद ब खुद हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7:00 बजे नई दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आम लोग पहले की तरह इंडिया गेट और इसके आसपास के परिसर में आ जा सकेंगे। कल उद्घाटन समारोह के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट। दिल्ली में पर्यटकों के लिए सबसे प्रिय जगह इंडिया गेट नए अवतार में लोगों के सामने आने वाला है। 2021 के फरवरी में शुरू हुए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत त्रिकोणीय आकार का नया संसद भवन, सभी मंत्रालयों के लिए सचिवालय, विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का कायाकल्प, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जा रहा है। योजना के तहत लोगों के टहलने के लिए करीब 16 किलोमीटर के रास्ते को तैयार किया गया है। इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। रास्तों को लगभग 1000 लाइट पोल से सजाया गया है। वहीं सुरक्षा के लिए 300 से भी अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं। करीब 110,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 4000 से अधिक पेड़ों की हरियाली पहले की तरह बरकरार रखी गई है। समाचार कक्ष से मैं अफरोज आलम। वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के क्षेत्रों में आगंतुकों की वजह से यातायात का बोझ बढ़ता जा रहा था, जिससे उसके बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ा। इसमें सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी, स्ट्रीट फर्नीचर और पर्याप्त पार्किंग स्थल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। जन आंदोलन पर न्यूनतम प्रतिबंध के साथ साथ कम से कम तोड़फोड़ करने के तरीके से गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई। वास्तुशास्त्र की अखंडता और निरंतरता बनाए रखते हुए इसका पुनर्विकास किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, उसी स्थान पर स्थापित किया जा रहा है जहां इस साल के शुरू में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करते हुए कहा है कि जो अपनी पार्टी से खुद को नहीं जोड़ पाए वे भारत को जोड़ने की यात्रा पर निकल पड़े हैं।
नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके समर्पित कार्यकर्ता और समर्पित नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दिखावा और पाखंड है, क्योंकि राहुल गांधी ने उड़ी और बालाकोट की घटना के लिए सबूत मांगकर देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की थी। हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है कि सेना की शहादत, सेना के शौर्य और सेना के बलिदान पर कभी सवाल नहीं करते, और आपने उसका सबूत मांगा। ये आपने देश की सामरिक सुरक्षा और सेना के त्याग को भी तोड़ने की कोशिश की और आप देश को जोड़ने की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कल टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तनकारी तेज आर्थिक विकास की नींव तैयार की है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव पारित किया। सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के विधि मंत्री मलय घटक के आसनसोल स्थित आवासीय परिसरों पर छापे मारे। केंद्रीय दल बेंगलुरु में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेगा। वर्षा के कारण 7,500 करोड़ रूपये से अधिक का नुकसान। भारतीय मूल की वकील सुएला ब्रिवरमैन को ब्रिटेन का नया गृह मंत्री बनाया गया। भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह एफआईएच प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड के लिए नामांकित। गोलकीपर वर्ग में पिया श्रीजेश और सविता पुनिया को चुना गया। और एशिया कप में आज शाम शारजाह में सुपर फोर में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से। सीबीआई के अधिकारियों ने कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के विधि मंत्री मलय घटक के आसनसोल स्थित 3 आवासों पर छापे मारे। सीबीआई कोलकाता सहित राज्य में 7 स्थानों पर भी छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी ऐसे समय में की जा रही है जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी सहित कई नेता जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। पार्टी के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में जेल में हैं। अनुव्रत मंडल को पशु तस्करी के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने नवंबर 2020 में कोयला तस्करी का मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में 30 स्थानों पर छापे मारे हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और अन्य शहरों में भी छापे मारे गए। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले वर्ष 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ट्वीट संदेश में श्री राय ने कहा कि प्रतिबंध ऑनलाइन बिक्री या वितरण पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात की। ट्वीट संदेश में डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान वार्षिक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने उन्हें भारत में हो रहे बदलावों से अवगत कराया। उन्होंने श्रीलंका के बारे में भी विचार विमर्श किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 FM गोल्ड पर। रविवार 11 सितंबर को प्रसारित होने वाले अंक का विषय है बुजुर्ग और शिक्षा। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं ekadamaurairnews@gmail.com। सवाल भेजने की आखिरी तारीख है 8 सितंबर। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है।
आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक लोकतंत्र के समानांतर संगीत और साहित्य के क्षेत्र में आकाशवाणी के प्रवेश से सांस्कृतिक लोकतंत्र की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और फिल्म संगीत की बेशकीमती और मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत की दो महान हस्तियों एमएस सुबुलक्ष्मी और उस्ताद बिस्मिल्ला खान की। एमएस सुबुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत जगत की प्रख्यात गायिका थीं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतज्ञ होने के साथ साथ सुबुलक्ष्मी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ भी थीं। प्यार से उन्हें लोग एमएस अम्मा बुलाते थे। एमएस सुबुलक्ष्मी ने अधिकतर गायन तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में किया, साथ ही हिंदी में मीरा के भजन भी गाए। वे न केवल कर्नाटक संगीत का चेहरा थीं, बल्कि उन्होंने पर्दे पर अभिनेत्री के रूप में मीरा और शकुंतला की भूमिकाएं भी निभाई। एमएस सुबुलक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ रहीं। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने शहनाई को एक नया अर्थ और प्रतिष्ठा प्रदान की। शहनाई परंपरागत रूप से केवल शादियों या अन्य समारोहों में बजाई जाती थी। भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्ला खान को दिल्ली के लाल किले पर प्रस्तुति का अवसर मिला। देश के पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन उन्होंने अपने शहनाई वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कई वर्षों तक उनका शहनाई वादन आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित स्वतंत्रता दिवस समारोह का अनिवार्य अंग बना रहा। उस्ताद बिस्मिल्ला खान की संगीत के प्रति संवेदनशीलता और उत्कृष्ट दृष्टि ने उनके संगीत को सुंदर, कोमल और मंत्रमुग्ध कर देने वाला बनाया। कल की कड़ी में बात करेंगे पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIRNewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा के स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना ना भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। उच्चतम न्यायालय शिवसेना की असल दावेदारी पर फैसला करने से निर्वाचन आयोग को रोकने संबंधी अंतरिम याचिका पर सुनवाई 27 तारीख को करेगा। उद्धव ठाकरे गुट ने अंतरिम याचिका दायर की है। इससे पहले एकनाथ शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग में असली शिवसेना उनके गुट के होने की दावा किया था। शीर्ष न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आज दोनों गुटों की याचिकाओं पर सुनवाई की। एशिया कप 2020 क्रिकेट में सुपर फोर के चौथे मैच में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच शारजाह में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम सुपर फोर के अपने अंतिम मैच में कल शाम 7:30 बजे दुबई में अफगानिस्तान के साथ खेलेगी।
भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी पिया श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया को वर्ष 2021-22 के FIH अवार्ड के लिए नामित किया गया है। हरमनप्रीत सिंह को FIH पुरुष खिलाड़ी अवार्ड जबकि पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया को गोलकीपर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। भारतीय पुरुष टीम के कोच ग्राहम रीड और महिला टीम की कोच यानी के शॉपमैन पुरुष और महिला टीम कोच पुरस्कार के लिए नामित हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज रूस के आंद्रे रुबलेव का मुकाबला अमेरिका के फ्रांसिस टाइफो से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में यानिका जूनियर का सामना कार्लोस अकेरेज से होगा। महिला सिंगल्स में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा और आर्याना सबलेंका के बीच मैच खेला जाएगा। पोलैंड की इगा श्वांतेक का मुकाबला अमेरिका की जेसिका पेगुलो से होगा। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में आज 15 मुकाबले खेले जाएंगे। ये प्रतियोगिता 13 अक्टूबर तक चलेगी। पहला मैच कल एनसीसी और गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ के बीच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। टूर्नामेंट में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 92 स्कूल 3 श्रेणियों में भाग ले रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र करगिल वन की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 18वीं बैठक और केवीके 2 की चौथी बैठक आज हुई। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति प्रोफेसर डॉ नजीर अहमद गनई की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रगति रिपोर्ट 2021-22 की समीक्षा और अगले वित्त वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा की गई। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष कुमार की अध्यक्षता वाले अंतर मंत्रालय के केंद्रीय दल ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके कैबिनेट सहयोगियों से मुलाकात की। दल को जुलाई और अगस्त के महीनों में बारिश और बाढ़ के कारण राज्य को हुए नुकसान और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा किए गए राहत उपायों के बारे में जानकारी दी गई। ये दल 9 सितंबर तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। कर्नाटक में बारिश के कारण 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। बाढ़ में 96 लोगों की मौत हुई है और लगभग 6 लाख हेक्टेयर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम बारिश होने की संभावना है। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि अधिकतम 36 डिग्री के आसपास रहेगा। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हैदराबाद में शाम या रात के समय बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। बेंगलुरु और विशाखापत्तनम में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, आइजोल और शिलांग में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। गंगटोक में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कल टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत ने पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तनकारी तेज आर्थिक विकास की नींव तैयार की है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव पारित किया। सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के विधि मंत्री मलय घटक के आसनसोल स्थित आवासीय परिसरों पर छापे मारे। राज्य के 7 स्थानों पर छापेमारी जारी। केंद्रीय दल बेंगलुरु में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेगा। वर्षा के कारण 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। भारतीय मूल की वकील सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन का नया गृह मंत्री बनाया गया और भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह
FIH प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड के लिए नामांकित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।